हमसे ये लोग मजबूर नहीं करते कि तुम भी जय श्री राम बोलो। मजबूर नहीं करते, मजबूर नहीं करते। हमारा मन होगा तो हम भी जय श्री राम लगा देंगे। स्वेच्छा से आप भी लगाते हैं? हाँ, हम भी लगाते हैं स्वेच्छा से। जय श्री राम। ये मेरा नाम मौलाना तहरीर अहमद चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। पूरा नारा लग रहा है जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। जो हमारे राम के अनुयायी हैं वो जय श्री राम लगाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में चर्चाओं में आए मौलाना तहरीर चतुर्वेदी इस समय नदारद दिख रहे हैं। ना ही भाजपा के कार्यक्रमों में आते हैं और ना ही किसी जनसभा में और ना ही किसी पब्लिक डिबेट में। फ़ोन करो तो उनका बिजी ही आता है। हालांकि आपको बताते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार भाजपा की तरफ से कैंपेनिंग करने वाले मौलाना तहरीर चतुर्वेदी मीडिया के सुर्खियों में बने हुए थे। मौलाना जहां लगातार भाजपा के पक्ष में कैंपेनिंग करते नजर आ रहे थे, वहीं अल्पसंख्यक नेताओं और विरोधी पार्टियों पर बमबाटिंग करने से बचते भी नहीं थे। बमबाटिंग का मतलब समझ रहे हैं ना आप, तो बस समझते रहिए। हालांकि मौलाना तहरीर चतुर्वेदी अपने ज्ञान के बदौलत बोलते थे, लेकिन मौलाना इसमें कहाँ हैं? आपको मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। क्या तैयारी है आज? मगर हमारी पार्टी हमको मजबूर नहीं करती। हम अल्लाह वाले हैं तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाते हैं। हमारे भाई राम वाले हैं जय श्री राम लगाते हैं। कभी ये भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा देते हैं, कभी हम भी जय श्री राम बोल देते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। यही सपा और बसपा की आंखों में गल रहा है, इसलिए कि सपा ने उल्लू बनाया, भाजपा से बहकाया, अपना उल्लू सीधा किया और मुसलमानों को ठेंगा दिखा दिया। कोई हक हुकूक नहीं दिया हमारे मुस्लिम समाज ने। योगी जी महाराज को वोट भी नहीं दिया, मगर जो वोट लेकर छोड़ देते रहे उनको शिक्षा दे दिया। सबका साथ सबके विकास में हम मुसलमानों का इतना कल्याण हुआ कि आज योगी जी महाराज का पताका मुसलमान वर्ग फहराने जा रहा है। वोट पड़ेगा इस बार? वोट पड़ेगा नहीं, प्रचंड बहुमत से कमल दबेगा और उसकी आवाज लखनऊ में और दिल्ली में गूंजेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जा रही है, हम आ रहे हैं। जा नहीं रही है, ये गए थे, ये फिर जा रहे हैं। मगर जिसकी जमानत जब्त होने वाली थी, ये कह के उनकी जमानत बचवा रहे हैं, जमानत बचवा रहे हैं, दोबारा आ नहीं पाएंगे। खुश है आप लोग? बहुत ज्यादा।